उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम हैं मोहम्मद बिन जैद रोड E311 पे ऑन द वे टू रसूल खैमा। वहाँ पे हम जा रहे हैं बिन माजिद बीच रिजॉर्ट्स अपनी सालगिरह की सेलिब्रेशन के लिए। अब आप पूछेंगे कि कौन सी सालगिरह है, तो मैं नहीं बताऊंगा, ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। चलते हैं वहाँ पे, आपको बहुत सारी इंजॉयमेंट हल्ला गुल्ला दिखाते हैं। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, बीच है, बीच के साथ रिजॉर्ट, स्विमिंग पूल और बहुत अच्छी ग्रीनरी वगैरह है। ये चीज़ें दुबई में ग्रीनरी कम ही देखने को मिलती है, तो आज आपको ग्रीनरी भी देखने को मिलने वाली है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हल्ला गुल्ला। और रात को कुछ शोज़ वगैरह भी हैं वहाँ पर, तो वो चीज़ें चल के आपको वहीं दिखाते हैं। जब तक ऑन द वे टू रसूल खैमा। मैनू दिला दे सोनी राहत की छैया, छड़ के आया छड़ के वो तंग गलियां। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बिन माजिद रिजॉर्ट्स, गाड़ी हो गई है पार्क और अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ, वहां से चेक इन करेंगे, उसके बाद आगे के मामला दिखाएंगे। अरे ओ बाबू जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी अरे ओ बाबू जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी ये आ गया है 690 हमारा रूम। बाहर के नज़ारे अभी देख लें, क्योंकि अभी नज़ारे जो हैं वो कुछ ज़्यादा दिलकश नज़र आएंगे धूप में। सो अभी हम चेक इन करने लगे हैं, ये खुल गया है। ही
वॉशरूम, वॉशरूम के बाद ये मिनी फ्रिज रखा हुआ है, वाटर भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, ये कबर्ड है, इधर सेव दिया हुआ है, ये रूम में एंटर होते ही वाव अच्छा है, जबरदस्त। ये फुल व्यू, दो बेड लगे हुए हैं, उसके अलावा LCD है, टॉयलेटरीज हैं टॉयलेट में, एक बहुत खूबसूरत लैंप, सोफ़ा और टेबल भी है। और अगर यहाँ पे आ जाएं तो बाहर खुल जा सिन, खुल गया, ओह बाहर भी एक टेबल और चेयर रखी हुई है स्मोकर्स के लिए। I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. सो गाइस, देखा आपने कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, स्विमिंग वगैरह की, मुख्तलिफ जगहों पे घूमे, बहुत सारे अच्छे नज़ारे देखे। और उसके बाद अभी बहुत थक गए थे, रात भी हो चुकी है, तो सोचा पहले खाना ही खा लिया जाए, फिर बाहर निकलेंगे। खाने में हमारे पास फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, ब्रोस्ट वगैरह मौजूद है, कोल्ड ड्रिंक भी है साथ में। तो शुरू करते हैं पहले पिज़्ज़ा से। आई लाइक इट, दिस बारबेक्यू पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त, आज तो मज़ा ही आ गया। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताना ज़रूर है। इस दफ़ा यकीनन आपको कुछ चेंजिंग नज़र आएगी। साथ में यहाँ पे बर्थडे की वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पेशली मैं आप सब लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने के अर्ली मॉर्निंग, बल्कि रात से ही मैसेजेस आना शुरू हो गए थे, सबसे पहले घर वालों के, उसके बाद स्पेशली
एवी रॉय, और सबसे पहले जो दोस्तों में आया वो दुल्तानी सरकार मोहित जो हैं, उनका मैसेज आया था मेरे पास। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सबसे पहले, बल्कि उन्होंने तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर की, तो बहुत शुक्रिया। दुल्तानी सरकार कौन है, एक बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, उनकी आईडी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एवी रॉय को तो आप जानते ही हैं। जो अभी आपने हैंडमेड आर्ट देखा, ये अली भाई हैं, इजिप्शियन से, और बहुत अच्छे अच्छे आर्ट इन्होंने बनाए हैं। और थोड़ा सा क्लोज करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगे। और इस तरह की अगर आप लोगों को और चीज़ें देखनी हैं, या आप लोग इस तरह के आर्ट को पसंद करते हैं, तो भाई से रब्ता कीजिए, आएँगे और देखिए कि कितना बेहतरीन बनाते हैं, जो बोलेंगे वो बना के देंगे। किसी ने पूछा चाय या मोहब्बत, मैंने कहा मोहब्बत के हाथ की चाय। तैयारी कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिस वक्त मैंने नेट पे देखा था ये, तो इतना बड़ा नहीं लगा था मुझे, इतना कुछ ख़ास नहीं लगा था, लेकिन अब जब घूमना शुरू किया यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी, बल्कि रिजॉर्ट्स भी जो बने हैं वो भी कैटेगरी के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। ये मेरा एक स्टैंडर्ड रूम है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इससे अच्छे अच्छे भी लग्जरी रूम्स और अपार्टमेंट मौजूद हैं या रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। तो उस बीच का फ्रंट व्यू भी है, स्विमिंग पूल का फ्रंट व्यू भी है, और यहाँ पे सबसे अच्छी एंटरटेनमेंट बच्चों को के लिए जो है वो स्लाइड्स जो है स्विमिंग पूल के साथ वो है। उसके अलावा होटल्स के बड़ों के जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा होता है, मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट चल रही होती है, मुकाबले गेम शोज वगैरह चल रहे होते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। अभी भी जब हम पहुँचे थे तो उस वक्त एंड हो रहा था, इस वजह से आपको दिखा नहीं सका मैं। और मॉर्निंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, तो जब तक के लिए
करते हैं अल्लाह हाफिज़। अभी बहुत थकान हो गई है, अभी सोने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।